मोदी सरकार की तरफ से आज संसद में पेश अंतरिम बजट पर कांग्रेस सहित बाकी दल निशाने साध रहे हैं। तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा है कि ये बजट विरोधियों के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है। मैंने इसकी संज्ञा दी है कि यह भी एक प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक है। जो विपक्षी वो सन्न है, उनको कुछ बोलते नहीं बन रहा है कि सब बजट का समर्थन करें कि विरोध करें। और इस बजट में समाज के सभी लोगों का ख्याल रखा गया है, विशेष करके जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, जो किसान हैं और जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, इन सभी लोगों को इसमें राहत देने का और प्रयास हुआ है। और मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो किसानों के खाते में 6,000 रुपया देने का जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, आजादी के बाद पहली बार कोई सरकार है जिसने किसानों के खाते में सीधे 6,000 रुपया ट्रांसफर करने का ऐलान किया है। और इसका सबसे ज्यादा फायदा बिहार को मिलेगा, क्योंकि बिहार के अंदर जो औसत तो होल्डिंग है वो 0.84 हेक्टेयर है, यानी एक है। खैर, अब देखना होगा इस बजट का फायदा लोकसभा चुनावों में भाजपा को कितना होता है। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।